आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MQ-9B डील के बारे में, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि US की तरफ से जो नया ऑफर दिया गया है उसके क्या मायने हैं और क्या इसमें भारत के लिए कुछ एडवांटेज है या नहीं। ANI की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई है जहां पर बताया गया है कि आने वाले समय में भारत और US के बीच में जो 31 प्रेडेटर बी ड्रोन को लेकर डील होने वाली है उसके साथ US की तरफ से एक कंसल्टेंसी ऑफर दिया गया है और इस ऑफर के तहत अगर भारत इस कैटेगरी का कोई ड्रोन बनाना चाहता है तो US वहां पर कंसल्टेंसी देने के लिए तैयार है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले DRDO की तरफ से एक इसी तरीके का प्रपोजल अनवील किया गया था और उस प्रपोजल में जो सिस्टम दिखाई दे रहा था वो काफी हद तक प्रेडेटर बी कैटेगरी का ड्रोन था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से उस प्रपोजल को फंड नहीं किया जा रहा है और इनिशियली भारत सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी कि उस ड्रोन को लेकर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाए जहां पर एक प्राइवेट कंपनी इस प्रोजेक्ट को लीड करे और DRDO और HAL को वहां पर कंसल्टेंट के तौर पर यूज किया जाए। इस रिक्वायरमेंट को लेकर टाटा की तरफ से थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया गया था, लेकिन उनका आइडिया था कि ग्रॉब एयरक्राफ्ट को एक अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के तौर पर डेवलप किया जाए। अब आप चीजों को पर्सपेक्टिव में डालने की कोशिश कीजिए। अभी तक भारत की तरफ से कोशिश की जाती रही है कि एक ऐसा ड्रोन बनाया जाए जहां पर पिस्टन इंजन का प्रयोग करते हुए 30,000 फीट की एल्टीट्यूड और 24 घंटे से ज्यादा की एंड्योरेंस अचीव की जा सके। इस सोच के पीछे कारण है कॉस्ट। पिस्टन इंजन की कॉस्ट काफी कम होती है और अगर आप एक टर्बो प्रॉप इंजन के साथ में इसको कंपेयर करें तो इसकी कॉस्ट 1/10 होती है। अब टाटा की तरफ से जो प्रपोजल दिया गया था वहां पर एक बिजनेस जेट को जिसमें 2 टर्बो फैन इंजन का प्रयोग किया जाता है उसको अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के तौर पर कन्वर्ट करके इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने का प्लान था। और अगर आप इस बिजनेस जेट की स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो काफी आसानी से एल्टीट्यूड रिक्वायरमेंट को एड्रेस किया जा सकता है क्योंकि ये जेट 41,000 फीट के एल्टीट्यूड पर जा सकता है, लेकिन एंड्योरेंस को लेकर वो क्वेश्चन बना रहेगा। वैसे टाटा के इस प्रपोजल को लेकर जहां तक मेरी फोर्सेस से बात हुई है तो मुझे वहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिले हैं और पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि भारतीय सेनाएं इस कॉन्सेप्ट के साथ में जाने वाली। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अगर टाटा इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है और US यहाँ पर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए तैयार है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। रही बात DRDO की प्रोजेक्ट की तो स्पेशल पर्पस व्हीकल को लेकर हम लोग IMRH और आमका प्रोजेक्ट में देख चुके हैं कि कोई भी कंपनी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को लेकर सामने नहीं आ रही है और उस हिसाब से अभी नहीं तो बाद में, लेकिन इवेंचुअली भारत सरकार को इस प्रोटोटाइप को फंड करना पड़ेगा। ऐसे में भारत सरकार यहाँ पर 2 अप्रोच यूज कर सकती है, एक US के साथ में मिलकर टाटा एक प्रोटोटाइप बनाए और दूसरा प्रोजेक्ट DRDO का चलता रहे जो एक बैकअप के तौर पर काम करे। देखिए तपस के साथ में जो परेशानी है वो एल्टीट्यूड और एंड्योरेंस की है। उस हिसाब से अगर तपस का इंजन चेंज किया जाता है और वहाँ पर टर्बो प्रॉप इंजन यूज किया जाता है तो आप आसानी से वो एल्टीट्यूड और एंड्योरेंस अचीव कर पाएंगे और नेचुरली अगर वहाँ पर टर्बो प्रॉप यूज किया जाता है तो एयरफ्रेम को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। DRDO के हेल UAV के डिजाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये काफी हद तक प्रेडेटर बी के डिजाइन के जैसा दिखता है। इसमें पुशर कॉन्फ़िगरेशन में एक टर्बो प्रॉप इंजन का प्रयोग किया जाएगा और टर्बो प्रॉप को लेकर अगर किसी कंपनी ने सबसे ज्यादा भारत में काम किया है तो वो कंपनी है HAL। HTT-40 से लेकर डॉनियर तक HAL काफी पहले से इस तरीके के इंजन के ऊपर काम करती आई है और DRDO और HAL मिलकर अगर यहाँ पर काम करते हैं तो DRDO के डिजाइन पर हेल बन सकता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ये चीज समझनी पड़ेगी कि क्योंकि यहाँ पर सरकारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, उसके चलते इस प्रोजेक्ट पर रिजल्ट्स बहुत जल्दी नहीं मिलेंगे और उस हिसाब से अगर टाटा US के साथ में जाकर एक हेल UAV बनाता है तो वहाँ पर जल्दी रिजल्ट आने के चांसेस है। हालांकि अभी तक भारत को US से कोई सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी मिली नहीं है और डिफेंस में अभी तक ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जहां पर US से कोई टेक्नोलॉजी भारत आई हो या उसके ऊपर कुछ इम्प्रोवाइज किया गया। लेकिन अगर US का यह प्रपोजल जेन्युइन प्रपोजल है तो इसको एक्सप्लोर जरूर किया जाना चाहिए, स्पेसिफिकली तब जब टाटा एडवांस सिस्टम के पास में भी टर्बो प्रॉप इंजन को लेकर कुछ एक्सपीरियंस आया है और रीसेंट C295 डील के चलते टाटा देश में दूसरी कंपनी बन जाती है जिनके पास टर्बो प्रॉप इंजन के ऊपर काम करने का एक्सपीरियंस है। हालांकि अभी टाटा की जर्नी काफी इनिशियल स्टेजेस पे है, लेकिन अगर टाटा यहाँ पर हेल बना सकता है तो ओवरऑल भारत के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।